बचपन से बड़ा मज़ा आता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने में स्टेज करने में डांस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती थी बड़ा मज़ा आता था, था उसके बाद जब उसको सीरियसली लेना शुरू किया जब ये लगा बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन आई थाट कि अब मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में देन आई थाट कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर बिकॉज अगर पैशन है उसको अगर हम प्रोफेशन बना लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा तो हम मारवाड़ी जो होते हैं बचपन से पैदा होते हैं कि हमको बिज़नेस करना है डैडी का बिज़नेस तो वही करना मेरा प्लान था बट एक्टिंग जो है वो हमेशा हर मूवी के बाद मैं आके मिरर के आगे जरूर करता था तो फिर मैंने प्लान किया चलो यार एक्टिंग में ट्राई करते हैं अब तो मैंने सोचा कि एक्टिंग में काम ये रियलिटी शो से मिलता है तो रोडीज़ के लिए ऑडिशन देना शुरू किया स्ट्रगलिंग एक्टर्स वहाँ पर बहुत सारे होते थे तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई यहाँ पर अगर स्टार्ट करना है तो तुमको एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा फिर यहाँ पर जो थर्ड डे था जब हमने फर्स्ट स्टेज पे परफॉर्म किया था थोड़ा सा और उसके बाद लोगों ने ताली बजाई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि राइट जगह आ गया और यही वो करियर था जो मुझे करना चाहिए क्योंकि पहली बार जिंदगी में किसी ने मेरे लिए तालियाँ बजाइए उसके बाद फाइनल मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा करेक्टर एक्टर बन सकता हूँ और तो मुझे अनुपम जी बचपन से बहुत पसंद थे एक्चुअली अगर आप लोग सब देखें तो अनुपम जी ने जो किया है वो बहुत ही रेयर लोगों ने किया है उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी सारांश से शुरू किया उसके बाद उन्होंने कॉमेडी की उसके बाद उन्होंने नेगेटिव किया उसके बाद उन्होंने आज भी वो काम कर रहे हैं लगातार काम करते आ रहे हैं तो ये चीज सर मुझे बड़ी ही फैसिनेशिंग फैसिनेटिंग लगती थी कि आ, मुझे कैरेक्टर एक्टर बनना था उनको देख के तो एक्टर पे पेस मेरे लिए एक ब्लेसिंग सा है एक्टर पेस के जो ये तीन महीने थे मैं सच बोलूँगा और मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी लाइफ चेंज यहाँ से हुई है फर्स्ट टाइम uh, मेरा ऐड दादू करके एक डायरेक्टर है जो अपने आप में बहुत फेमस है और मुझे सबसे फर्स्ट डायरेक्टर वही मिले hmm. और उनका नाम इस बात से फेमस है कि वो बहुत ज़बरदस्त भड़कते हैं yeah. एकदम गज़ब बहुत गु़स्से इंसान एकदम स्टार्ट के कुछ दो तीन घंटे तो बराबर गए मेरे एकदम अच्छे से गए उस एड में मुझे uh, मैं बहुत एनर्जी लो है और डांस करना है और निम्बूज़ पीते एनर्जी आ जाती है तब वो जो निम्बूज़ पीने का शॉट था कैमरा नॉलेज इतनी थी नहीं मुझे अब उसमें निम, निम्बूज ब्रांड दिखाते हुए यू हैव टू ड्रिंक नॉर्मली आप अगर बॉटल से पियोगे तो आप कैसे पियोगे ऐसे ही पियोगे ना हाँ तो नहीं अब ऐसे पिएगा ना तू तो उसमें क्या था कि कैमरे के आगे ऊपर नहीं जाना था और बोतल को ऊपर करना था मुंह ऊपर नहीं करना था <laughs> मुझे ये बात समझ नहीं आ रही अब वो मुझे एक बार समझाया वो कुछ अपनी लैंग्वेज अरे ऐसा मत कर ठीक है तो मैं फिर से ऐसे पी रहा हूँ मैं वापस ऐसे ऊपर चले गया तो कैमरे के बाहर जा रहा था वो बॉटल और पीछे मेरे जूनियर्स डांस कर रहे थे और वो ना उन वैसे तो बहुत अच्छे होते बट उस टाइम वो थोड़े ओल्ड ओल्ड थे, सब, सब, सब ओल थे, बार -बार तो थे। रहा है, है क्या यार? एक बार में कर तू हम बार बार नहीं नाचने वाले यार मैं अकेला पूरा मेन बॉय में था वो सब इधर चिल्ला रहे मुझे उधर से डायरेक्टर बचा गया जैसे ही ये बैच कंप्लीट किया यशराज में तब कास्टिंग चल रही थी तो वहाँ उनका पहला एक शो था सेवन उसमें मुझे काम मिला तो वहाँ फर्स्ट शॉट कुछ ऐसा था कि विंडो से बाहर से किचन से आते हुआ जिमी जेब जिम कैमरा आता है और बैंग ऑन मेरे मेरे फेस के सामने आ जाता है आठ टेक दिए थे और डायरेक्टर इतने स्वीट थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा <laughs> हाँ, वो मनी मन कहा था वेरी <laughs> गुड तो इट वॉज अ स्वीट एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरी डायरेक्टर से बॉन्डिंग तभी हुई बिकॉज सिंस एक्चुअली गलत नहीं है टीवी कमर्शल जो होते हैं वो एक दिन में शूट होते हैं मैक्सो मैक्स दो दिन में शूट होते हैं तो टाइम कम होता है जल्दी जल्दी काम करना होता है जो प्रोडक्शन हाउस या जो तुम्हें काम दे रहा है ठीक है उससे काम लो लेकिन जो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं ना वो एक्चुअली वो तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं बिकॉज वो तुम्हें एक्चुअली आईना दिखा रहे हैं कि तुम में ये कमी है और जो आईना दिखाए ना उसको अपना गुरु ही मानो वो सबसे अच्छी चीज़ कर रहे हैं ऑडिशन में बिलीव करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उसमें बिलीव नहीं करना तो आप थोड़े टाइम ऑडिशन दे दोगे उसके बाद आप सोचोगे नहीं यार ऑडिशन से कुछ होता नहीं है मैं मीटिंग करता हूँ सेटिंग लगाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ किसी से कुछ नहीं होता ऑडिशन से ही सब कुछ होता है आई थिंक इट्स अ बून इफ आई गेट रिजेक्टेड आई आई नो की रिजेक्शन अच्छी चीज़ नहीं होती है करियर के लिए बट एट द सेम टाइम ठीक है यार अगर दस में चार बार अगर मुझे रिजेक्शन मिला है तो मुझे समझ में आता है चार बार कि ओके ये मेरे से गलती हुई और ऑडिशन की गोइंग थ्रू ऑडिशन एंड फेलियर्स इज इज एक्चुअली स्कूल यही एक फील्ड है जहाँ पे आप हमेशा बिजी रहोगे चाहे आप काम कर रहे हो चाहे आप नहीं काम कर रहे हो और वो उसका रीज़न ही है कि आप जब काम कर रहे हो तब आप काम के बारे में सोच रहे हो कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो कैसे मैं शूट करूँगा कैसे दिखूंगा वो सब के बारे में जब आप काम नहीं कर रहे हो तब आप सोच रहे हो कि मुझे आगे वाला काम क्या करना मतलब उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी तो कुछ भी हो जाए हर टाइम कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलते ही रहेगा और ये रिजेक्शन जो है वो तो भाई इतनी आने वाली है इतनी आने वाली है कि रेडी रहो बस मुझे जो मेरा फर्स्ट ऐड था वो छः महीने बाद मिला था तो छः महीने तक मैं टोटल रिजेक्ट हो रहा था अगर आप अपने आप को डिवोट कर देंगे टीचर्स को सौंप देंगे तो वो आपको मोल्ड कर सकते हैं करेक्टर प्ले करने के लिए जितना ट्रस्ट जितना अपना डिवोशन देना है आप यहाँ से शुरू करिए यहाँ अपने टीचर्स को अपना मानिए उनकी बातों को गलत मत समझिए उनको अपनाइए अपने आप को मोल्ड होने दीजिए उनके हिसाब से जो भी यहाँ पे सिखाया जाए जो भी आपको अगर बताएं तो प्लीज उसको पॉजिटिवली लीजिए उसको जरूर फॉलो करिए बिकॉज सुबह अगर आप शेव करके आते हैं ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये आप अपने आप में एक डिसिप्लिन डाल रहे हैं और बिना डिसिप्लिन के कोई प्रोफेशन में कोई जगह नहीं